नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल प्रॉपर्टी की बात, जहां मैं आपसे रियल इस्टेट के नए प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। इसके अलावा पुराने प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करते हैं और अगर रियल इस्टेट की कोई न्यूज़ होती है तो उसका हम यही एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं जिस प्रोजेक्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है निराला ग्रुप का, निराला इंफ्राटेक का प्रोजेक्ट है निराला इस्टेट फेज 2। इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बिल्डर की प्रोफाइल, प्रोजेक्ट की डिटेल, प्राइसिंग, तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वहां पर मैंने इस वीडियो का सेक्शन वाइज बनाया है, आप उस सेक्शन को, जो सेक्शन आप देखना चाहते हैं क्लिक करिएगा, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट निराला इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर का है। इसके जो MD हैं वो मिस्टर सुरेश कुमार गर्ग हैं। ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी और ये निराला वर्ल्ड और SMC ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। SMC ग्रुप मधुसूदन ब्रांड के अंतर्गत डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करती है। अगर मैं इनके पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इनका पहला प्रोजेक्ट जो है वो निराला इस्टेट का फेज 1 ही है। निराला इस्टेट जो है 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसको फेज वाइज बिल्डर डेवलप कर रहा है, और ये जो साइट है वो 2 साइड ओपन है। एक तरफ 24 मीटर की रोड है और फ्रंट के तरफ 24 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, इसके बाद काफी वाइड रोड है। और अगर मैं बात करूँ फेज 1 की, तो फेज 1 बिल्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुका है, जिसमें करीब 18 टावर हैं और टोटल जो उन्होंने यूनिट उसमें बनाई है 1948 यूनिट बनाई है। इस प्रोजेक्ट में जो टोटल ओपन एरिया होगी वो करीब 16 एकड़ की है, जिसमें से 8 एकड़ जो होगा ग्रीन होगा और 8.5 एकड़ पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में अगर मैं पूरे निराला इस्टेट की बात करूँ तो टोटल 4 एंट्री है, 3 एंट्री जो इन्होंने दिया है 24 मीटर रोड पे दिया है, और 1 एंट्री जो इनकी मेन एंट्री है वो वाइड रोड पे दे। फेज 1 में जो इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है वो करीब 12.5 एकड़ का वो फेज 1 था, जिसके अंदर 18 टावर थे और 1948 फ्लैट इन्होंने उसमें बनाए हुए हैं। और अभी जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ये फेज 2 है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और एज पर रेरा ये नवंबर 2018 में बनना स्टार्ट हुआ था, और रेरा के अकॉर्डिंग जो इनका पोजीशन देने का टारगेट है वो नवंबर 2024 है, बट बिल्डर जो अपना टारगेट लेके चल रहा है वो दिसंबर 2021 का लेके चल रहा है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो ये करीब 2.5 एकड़ का प्लॉट है, जिसके अंदर 5 टावर बना रहे हैं, और जो टावर की जो हाइट है, फ्लोर जो बना रहे हैं 24 फ्लोर की बिल्डिंगें बना रहे हैं, और इसमें टोटल 9 तरह के फ्लैट होंगे, 2-3 BHK के 9 टाइप के आपको लेआउट से इसमें मिलेंगे, और टोटल जो फ्लैट बना रहे हैं 544 फ्लैट बना रहे हैं, और इसमें जो पार्किंग दिया है इन्होंने ओपन और कवर्ड दोनों तरह की पार्किंग है। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी USP है वो माइवन कंस्ट्रक्शन है, ये जो क्लब बना रहे हैं वो करीब 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब बना रहे हैं।
साइट लोकेशन की बात करें तो प्लॉट नंबर GH04 टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये साइट आती है। और अगर अप्रोच की बात करूँ तो जो आने वाली मेट्रो स्टेशन है जो कि किसान चौक पे आएगी वो करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट से। अगर मेजर डेस्टिनेशन से बात करें कि इसमें अप्रोच क्या होगा तो मैं आपको वो चीज़ ड्रॉ करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अगर कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहा है तो वो किस तरफ से और कैसे आएगा। तो कालिंदी कुंज से आने के लिए साइड पर बिल्कुल रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है। अगर आप कालिंदी कुंज से चलना शुरू करते हैं तो आप ये कालिंदी कुंज होते हुए आप नोएडा सिटी सेंटर की मेट्रो, फिर इसके बाद आप आगे आएंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट चलिएगा, आप गौर सिटी तक आइए। गौर सिटी का जो राउंड सर्कल है वहाँ से आपको राइट टर्न करना है। राइट चल के आप करीब 1.5 किलोमीटर चलते हैं तो इस प्रोजेक्ट की साइट आ जाती है। वहीं अगर कोई मान लीजिए दिल्ली में अक्षरधाम की तरफ से आ रहा है तो वो भी बिल्कुल NH24 पर बिल्कुल स्ट्रेट उसको चलना है और वो बिल्कुल इंदिरापुरम क्रॉस करके आगे सिद्धार्थ विहार आता है। सिद्धार्थ विहार के पास में एक टी पॉइंट आता है नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री के लिए, वो बेसिकली वो डायरेक्ट किसान चौक तक जाता है। तो अगर मैं उस टर्निंग पॉइंट से बात करूं तो करीब आपको बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव करना होगा, करीब 4.5-5 किलोमीटर का ड्राइव करना होगा तो ये प्रोजेक्ट आपके लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा। ये साइड टू साइड ओपन है, एक तरफ 24 मीटर की रोड है, दूसरे तरफ ग्रीन बेल्ट है, इसके बाद 60 मीटर की रोड है। प्रोजेक्ट के फ्रंट में जो इसका मेन गेट है वहाँ पे 1.5 एकड़ का इनका खुद का कमर्शियल बन रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारे हाई स्ट्रीट शॉप्स होंगी। इसके अलावा एक नर्सरी स्कूल का प्रोविज़न है और एक नर्सिंग होम का भी प्रोविज़न है। अगर क्लस्टर लेआउट की बात करें तो कुछ टावर में ये एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बना रहे हैं और कुछ टावर में ये एक फ्लोर पे 6 फ्लैट बना रहे हैं, जिसके लिए ये 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दे रहे हैं। अगर फ्लैट लेआउट की बात करें तो इसमें 995 स्क्वायर फीट का इनका 2 BHK है, इसके बाद 1225 स्क्वायर फीट, 1270 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट में ये 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट बना रहे हैं। और इनका जो 1385 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट है, 1535 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट है, 1645 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट ये बना रहे हैं। और इनका जो सबसे बड़ा 3 BHK है वो 1897 स्क्वायर फीट का है, जिसमें ये 3 BHK प्लस 4 टॉयलेट के साथ स्टडी रूम बना रहे हैं। तो बिल्डर का जो फ्रेश में रेट है वो एज पर पेमेंट प्लान वेरी करता है। अगर मैं CLP प्लान की बात करूं तो करीब 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट का बिल्डर का रेट है। और अगर मैं रीसेल की बात करूं तो इस प्रॉपर्टी में अभी रीसेल हो नहीं रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी उस कंडीशन में आया नहीं है, उसका स्ट्रक्चर उतना अभी आया नहीं है और रेंट भी वैसे नहीं होगा। तो लेकिन अगर मैं निराला इस्टेट के ही फेज़ 1 की बात करूं तो वहां पे जो रीसेल का रेट चल रहा है वो करीब 3700 से लेके 3200 पर स्क्वायर फीट तक की डील वहां पे लोग को मिल जाती है। और अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट जो है 2 BHK का वहां पे 10,000 से 12,000 रुपये मंथली का आता है, 3 BHK में करीब 15,000 के आसपास का रेट आता है और ये थोड़ा सा फ्लैट के साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी करता है। रियल इस्टेट में जो प्राइसिंग होती है वो एक स्टेबल प्राइसिंग होती नहीं। तो आप ये जब वीडियो देख रहे हैं तो आज के टाइम में यहाँ का रेट क्या चल रहा है, अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं सो दैट आपको किसी एक्सपर्ट की कॉल आएगी या फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो एक अच्छी चीज़ है वो है इसकी MyOne कंस्ट्रक्शन, जो कि नॉर्मली आज के टाइम में और वैसे तो बिल्डर बना रहे हैं बट जो प्राइस रेंज है एज़ कम्पेयर टू अदर इनकी जो प्राइसिंग है वो कम है, तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है वो मेट्रो, अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो अप्रोच के क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग में आप प्रोजेक्ट देखें तो ये अच्छा है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में बुक करना चाहते हैं अपना फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा एग्जांपल ये है कि इसी बिल्डर का प्रोजेक्ट बिल्कुल बना हुआ बगल में डिलीवर्ड है और तकरीबन उसी साइट लेआउट के अकॉर्डिंग ये भी फेज़ 2 ये बना रहे हैं। तो एक बार आप वहाँ पर जाके एक्चुअल फ्लैट और बिल्डर की जो आफ्टर पोजीशन जो वहाँ पे उनकी सर्विसेज हैं उसको भी आप रियलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के आसपास काफ़ी सारे स्कूल भी हैं, नियर बाई हॉस्पिटल भी है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो DPS है आपके बगल में, यहाँ पे लोटस वैली है, यथार्थ हॉस्पिटल जो है बिल्कुल इस प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है।
और अगर मैं वहीं पे अगर कमर्शियल या शॉपिंग मॉल्स की बात करूं तो आसपास आज के टाइम में नियर बाई जो मॉल है वो गौर सिटी का मॉल जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो करीब 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर अपकमिंग मॉल्स की फ्यूचर की मॉल की बात करें तो अभी इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट में वॉल शेयर करते हुए एक प्रोजेक्ट बन रहा है भूटानी ग्रुप का ग्रैंड थम, अच्छा वो अच्छे कंसेप्ट पे भी मॉल बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल इसके बिल्कुल क्लोज है। इसके अलावा इसकी जस्ट अपोजिट एक मॉल बन रहा है गोल्डन आई करके, तो वैसे देखा जाए तो कमर्शियल के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके थोड़ी डिस्टेंस पे आईटी सेल्स की लैंड है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी आईटी कंपनीज आएंगी, उसमें से आईबीएम जैसी कंपनी ऑपरेशनल है यहाँ पे। तो ये थी निराला इस्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, वहीं से आपको मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।